हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ओल्ड टाइम क्लासेस सांडपुर चैनल पर। दोस्तों, मैं संजीत तोमर एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं और आपके लिए यूपी पुलिस और दिल्ली पुलिस का जो स्पेशल बैच हमने स्टार्ट किया है उसके लिए एक क्लास लेकर आया हूं। आज की जो क्लास है दोस्तों, आज की क्लास आपकी संबंधित है किससे? नाव और धारा से संबंधित है, बोट एंड स्ट्रीम, ठीक है ना। तो ये जो क्लास है आज की, बहुत अच्छी क्लास होने वाली है। क्यों अच्छी होने वाली है? क्योंकि दोस्तों, ये आज की इस चैप्टर की फर्स्ट क्लास है। फर्स्ट क्लास से बेनिफिट क्या हुआ? फर्स्ट क्लास से बेनिफिट ये हुआ कि ये आपकी बेसिक क्लास होने वाली है। अब बेसिक क्लास के थ्रू होता यह है कि आप कुछ भी बात हो इस चैप्टर के अंदर, जो भी बात हो सकती है वो सभी आप इजीली समझ जाओगे, ठीक है ना। और सभी बातों को आप आसानी से समझ सकते हो, क्या क्या काम इसमें किए जा सकें और कितने अल्टरनेटिंग मेथड हम अप्लाई करेंगे। तो ठीक है दोस्तों, चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। तो आज का विचार जो है दोस्तों, इसे देख लेते हैं। तो आज के विचार में क्या लिखा गया? ऐसे जिए कि जैसे आपको कल मरना हो, और सीखे ऐसे जैसा आपको हमेशा जीवित रहना हो। तो मतलब ये हुआ दोस्तों कि आपको उस हिसाब से मेहनत करनी कि आपको जमाना याद रखे, आपको दुनिया वाले, आपके दोस्त, आस पड़ोस के आदमी जो याद रखें। क्या याद रखें? कि आप कुछ करके गए उनके लिए, या उन्हें दिखाया उन्होंने करके आपने, भले ही उनके लिए ना किया हो, बट आपको, आपने कुछ अचीवमेंट गेन करा हो और उन्हें दिखाया हो कि सच में मैं कर सकता हूँ, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको जीना है। और मरना किस तरीके से है? तो ठीक है, आपको ध्यान में रखो कि जैसे कल मरना, तो कोई ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं। इसलिए आपको अचीवमेंट ज़रूर गेन करना होगा, ठीक है ना। कुछ भी न्यू अचीवमेंट, हर रोज़ नए टारगेट लेने, वो टारगेट चूज करने, मान लें कि आज तुम्हें 80 पेज पढ़ने, आज तुम्हें 100 पेज पढ़ने, वो पेज पढ़ने हैं और बाद बाकायदा उन्हें याद भी रखना है। तो ये कंपलसरी रहेगा आपका, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के क्लास की, और इसी भाव और इसी विचार के साथ आज की क्लास शुरू करते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ, ये जो चार्ट है, जो ये लिखा हुआ है, ये एक चार्ट है जिसमें बताया गया सभी डिपार्टमेंट के बारे में। और ये स्पेशली चार्ट उन बच्चों के लिए है जिन्होंने हाल ही में 12th किया है और जो हमारे साथ जुड़े हैं, ठीक है ना। तो बेसिकली ये चार्ट क्यों बनाया? ये उन बच्चों के लिए बनाया गया। तो ज़्यादातर परेशान रहते हैं, क्या ये टॉपिक मेरे चैप्टर से रिलेटेड है या नहीं। अगर रिलेटेड है तो ठीक है ना, तो आप देख सकते हैं। अदरवाइज नहीं रिलेटेड मेरे ख्याल से, तो जिस भी आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, ठीक है ना, ये जो चैप्टर आज हम पढ़ रहे हैं, ये सभी डिपार्टमेंट होंगे जिनकी में भी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, इन सभी डिपार्टमेंट के अंदर ये आपका चैप्टर आने वाला है, इनके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के अंदर। तो चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों आज की क्लास की। तो इस चैप्टर को समझने से पहले यहाँ पर दो वर्ड आपको ध्यान से समझना होगा। जैसे कि चैप्टर का नाम है नाव और धारा। क्या है यहाँ पे चैप्टर का नाम? नाव और धारा, ठीक है ना, नाव और धारा। नाव और धारा से संबंध क्या हुआ आपका? बोट एंड स्ट्रीम। क्या हुआ यहाँ पे? बोट एंड स्ट्रीम, ठीक है, बोट एंड स्ट्रीम। तो अगर ये हुआ तो यहाँ थोड़ी सी बात समझनी होगी। देखो कैसे, अगर सपोज करो कि धारा किसे बोलोगे? धारा बोलोगे आप जैसे कोई नदी है, उसका नदी का फ्लो हो रहा, तो यानी पानी किस साइड से? इस साइड, इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, ठीक है ना, पानी इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है आपका, और इसमें आपको चलानी है नाव। तो दो कंडीशन हमेशा आपके पास होगी। क्या कंडीशन? सपोज ये आपकी कोई बोट है, ठीक है ना, ये आपकी क्या है? कोई बोट, ये बोट आपने बनाई है, ठीक है, और ये बोट हमें चलानी है इस दोनों के अकॉर्डिंग, ठीक। अब ये बोट अगर आपको इस अकॉर्डिंग चलानी, इस साइड चलानी है, तो मेन कंडीशन क्या रहेगी? मेन रहेगी कि आपका अगर पानी का फ्लो जिस साइड में होगा, मतलब धारा जिस साइड में बहेगी, उस साइड में आपकी नाव इजीली चलती रहेगी। अदरवाइज धारा अपोजिट साइड है, आपको दूसरे अपोजिट साइड जाना होगा, तो आपको समस्या हो सकती है जाने में, ठीक है ना। बात आई समझ में? तो मेन बात समझने की यही है कि धारा किस साइड में चलेगी, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं।
तो इन इनके लिए कुछ शब्द होंगे दोस्तों जो प्रयोग में लाए जाएंगे। अच्छा देखो, अगर धारा के साथ साथ की बात की जाए, धारा के साथ साथ की अगर बात की जाए, तो धारा के साथ साथ जो भी शब्द दिए गए उन शब्दों के लिए आप क्या क्या वर्ड प्रयोग करोगे और क्या आपको समझना है, ठीक है ना? क्योंकि उन्हीं शब्दों के माध्यम से जो क्वेश्चन आपके सोल्व होंगे, ठीक है ना? तो इसलिए आपको पहले ये समझना होगा क्या हो सकता है। चलिए पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन रहा धारा के अनुकूल, अनुकूल शब्द मिलेगा। तो अनुकूल शब्द से मतलब क्या हुआ, धारा को साथ ऐड कर देना आपको। तो उस टाइम ऐसी कंडीशन में वेलोसिटी मतलब आपकी नाव ज़्यादा तेज चलेगी, तो नाव की स्पीड बोट थी और धारा की डब्लू वोटर, ठीक है ना? तो दोनों को ऐड कर दोगे, बी प्लस डब्लू। अच्छा, यह हुआ धारा के अनुकूल, धारा के साथ साथ, ठीक है ना? धारा के साथ साथ, ठीक है, धारा के अनुकूल हो गया, धारा के साथ साथ। और आपका यहीं पे अनुप्रवाह, एक शब्द क्या मिल जाएगा आपको, यहीं पे मिल जाएगा अनुप्रवाह, ठीक है। एक शब्द और मिल जाएगा अनुदिश। तो अगर कभी भी ये शब्द मिलते हैं तो आपको करना क्या है, बोट और, ठीक है, बोटर, इन दोनों की स्पीड को ऐड कर देना, ठीक है। अगर आती है बात अपोजिट की, किसकी अपोजिट, तो यहाँ पे शब्द याद रखना हमेशा, अगर है अपोजिट की बात तो आपको ध्यान क्या रखना, धारा के विपरीत। एक तो शब्द ऐसा मिला धारा के विपरीत, ठीक है, धारा के ऊर्ध्वाधर, और धारा के अनुकूल, अनुकूल सॉरी नहीं प्रतिकूल, धारा के प्रतिकूल, और अगला रहेगा धारा के विपरीत, विपरीत तो हो गए ना, धारा के ऊर्ध्वाधर, ठीक है ना, धारा के ऊर्ध्वाधर। तो ऊर्ध्वाधर वैसे हो चुका है, प्रतिकूल, अनुप्रवाह। तो कुछ ये शब्द हैं जो अगर आपको मिलेंगे तो आपको करना क्या है, तो करना क्या है आपको, जो भी वेलोसिटी रहेगी दोनों की वेलोसिटी को घटा देना है, ठीक है ना? तो ये कंडीशन याद रखनी है। और मेन फॉर्मूला क्या है, चाल बराबर, एक मिनट दोस्तों, मेन फॉर्मूला है आपका चाल बराबर दूरी बटे समय, चाल बराबर दूरी बटे समय। अच्छा, इसके बाद दो बातें और याद रखनी होती हैं यहाँ पे, एक तो होता है शांत जल। अच्छा, जब भी शांत जल की बात आपको पता लगेगी, शांत जल, तो शांत जल का मतलब है पानी नहीं चल रहा, तो इस टाइम वेलोसिटी सिर्फ बोट बोट की लोगे, जो आपकी नाव थी, ठीक है। तो शांत जल की जब भी बात है तो आपको ये ध्यान रखना, ठीक है ना? चलते हैं, क्वेश्चन करते हैं। तो इसमें अगर देख लिया जाए तो चार प्रकार के तकरीबन क्वेश्चन बनने वाले हैं चैप्टर के अंदर। तो कौन कौन से बन सकते हैं, ये चार प्रकार के हैं दोस्तों। इन चार प्रकार के क्वेश्चनों में हो क्या सकता है, आपका अनुकूल चाल के, चाल पर आधारित, प्रतिकूल चाल पर आधारित, अनुकूल प्रतिकूल दोनों, और गुणा पर आधारित, ये प्रश्न बन सकते हैं मात्र, ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट पर। जब जल प्रवाह के अनुकूल चाल पर, अनुकूल मतलब उसी के अनुसार, जिधर धारा बहती हो उधर आपकी बोट चलेगी, तो चाल ऐड होगी। अब यहाँ वो मत सोचना जैसे पहले थे, अगर अपोजिट डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन है तो चाल घटेगी, नहीं, यहाँ पर पानी का सिस्टम अलग होता है दोस्तों, पानी के साथ चाल ऐड होगी। अगर आपको नहीं देखा तो आप किसी भी रिवर, ठीक है ना, ऐसी रिवर में जाना, कभी वहाँ पर डूब मर जाओ, ठीक है ना, ऐसी जगह जाना है जहाँ पर यानी ऐसी स्थिति ना हो, नौबत ना आए कहीं, जहाँ पर तुम डूब ना सको, ऐसी रिवर में जाना है, ठीक है ना? ऐसी रिवर में जाने के बाद आपको ट्राई करना, ठीक है। अगर पानी की अपोजिट डायरेक्शन में मेरे जहाँ भी, जब तुम तैरोगे तो पानी के साथ साथ जब तैरते रहोगे तो अच्छा इजीली तैर सकते हो काफ़ी दूरी। अब पानी के अपोजिट डायरेक्शन में अगर तैरना होगा तो फिर आपको समस्या हो जाएगी। चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों। एक नाविक स्थिर जल में, स्थिर जल मतलब रुका हुआ, 8 किलोमीटर प्रति घंटा की
चाल से नाव चलाता है, मतलब कि ये बोट की स्पीड दी गई, किसकी है ये, बोट की स्पीड, तो बी की वैल्यू दे दी 8 किलोमीटर प्रति घंटा। यदि नदी का जल प्रवाह 4 किलोमीटर प्रति घंटा हो, W कितना दिया, सॉरी 3 किलोमीटर प्रति घंटा, तो जल प्रवाह के अनुकूल, जल प्रवाह के अनुकूल मतलब उसी के साथ साथ नाविक की चाल, तो ठीक है दोनों को ऐड कर दीजिए, जब ऐड कर दोगे तो B प्लस W कितना रहेगी, 11 किलोमीटर प्रति घंटा। अब जो आपकी बोट है वो 11 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से आगे बढ़ती रहेगी, ठीक है ना। नेक्स्ट चलते हैं। एक नदी का जल 2 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से प्रवाहित हो रहा है तथा एक नाविक शांत जल में 4 किलोमीटर प्रति घंटा से नाव ले जाता है, तो ठीक है। अच्छा, नदी का जल था तो W जो दिया गया, W क्या दिया गया आपको यहाँ पे, W दिया 2 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है ना। और नाविक जो है B की वैल्यू है 4 किलोमीटर प्रति घंटा, तो ठीक है। जल प्रवाह के साथ साथ मतलब कि पानी के साथ साथ कितनी दूरी जाना, 12 किलोमीटर है, दोनों की चाल ऐड दी, जोड़ दी। क्यों जोड़े गई, जोड़ा इसलिए गया इस चाल को, इन चालों को जो जोड़ा गया, मेन वजह है दोस्तों सेम डायरेक्शन है, ठीक है ना। तो 2 घंटे, चाल बराबर दूरी बटे समय है, ठीक है ना, चाल बराबर क्या होगा, दूरी बटे समय, तो 2 घंटे बाद वो तय कर लेगा। नेक्स्ट पर चलते हैं दोस्तों। यहाँ पे क्या कहा गया, ध्यान दीजिए, एक नाव धारा के साथ साथ 3 घंटे में 18 किलोमीटर जाती है, 3 घंटे में 18 किलोमीटर। यदि शांत जल में 5 किलोमीटर प्रति घंटा, शांत जल की जब भी बात हो तो सिर्फ नाव की बात की गई, नाव की बात कितनी, 5 किलोमीटर प्रति घंटा, और अभी पानी भी उसके साथ ऐड है, बी प्लस डब्ल्यू इक्वल टू क्या है, 18/3 यानी 6 किलोमीटर प्रति घंटा, और 5 की वैल्यू तो ये मिली और डब्ल्यू, ठीक है ना, तो 6 किलोमीटर प्रति, इसे घटा दोगे इधर तो डब्ल्यू बराबर कितना हुआ, 1 किलोमीटर प्रति घंटा आपका आंसर रहा, ठीक है ना, 1 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ तक तो कोई समस्या नहीं होगी दोस्तों, ठीक है। फिर चलते हैं नेक्स्ट पर। हवा 25 किलोमीटर प्रति घंटा तेज चल रही है, देखो इसी के लिए हवा के क्वेश्चन भी बढ़ सकते हैं, है ना, पानी की तरह काम करेगा वो, तो इसका मतलब अगर देख लिया जाए तो कितना है, हवा 25 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से तेज चले, तो बी दे दिया आपको 25 किलोमीटर प्रति घंटा। एक विमान शांत जल हवा में 150 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उड़ सकता है, शांत हवा में, तो मतलब एक मिनट दोस्तों, यहाँ पर थोड़ी सी बात क्या याद रखनी है आपको, यहाँ पर ये वेलोसिटी हवा की नहीं है, और ये हुई इसकी वेलोसिटी कितनी, 150 किलोमीटर प्रति घंटा। यदि विमान हवा के अनुकूल 3/5 घंटे चले तो कितनी दूरी तय करेगा, तो 3/5 तो ऐड कर दीजिए, अनुकूल है हवा के अनुकूल, अगर अनुकूल यानी मतलब साथ साथ, तो चाल क्या होगी ऐड, 25 और 150 कितना हुआ, 175, ठीक है ना, ये हुई चाल। दूरी बराबर कैसा, दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय, चाल 175 चाल हो जाएगी ये, ठीक है ना, और समय कितना हुआ, 3/15 16/5, 5 से काट दीजिए कितना मिलेगा आपका, ये हो गया कितना, 5 3 15 और 5 2 10, तो ठीक है। अब इनकी मल्टीप्लाई कर दीजिए, 16 2 32, बचे कितने 3, तो 16 3 48 और 3 51, 512, ठीक है ना, क्या रहा, 512 आपका आंसर रहा। अच्छा, एक नाविक अपनी नाव धारा के अनुकूल 2.5 घंटे में 25 किलोमीटर चलाता है, धारा के अनुकूल, अच्छा, यदि धारा की गति 3 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो सामान्य चाल क्या होगी नाविक की, तो कोई बात नहीं, ठीक है। तो अगर ये चलाता है धारा के अनुकूल, तो मैंने क्या बताया था आपको, जब भी ऐसी बात हो तो आपको ऐड कर देनी है चाल बी, तो निकालना है ये 3 दे दिया आपको, यहाँ 25 बटे कितना है 2.5, तो 5 से 0 हटाई तो ये हुआ मिला 10,
इसे इधर घटा दीजिए तो बी बराबर कितना मिला, 7 किलोमीटर प्रति घंटा। आंसर रहेगा बी बराबर 7 किलोमीटर प्रति घंटे। ठीक है ना, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए फिर चलते हैं नेक्स्ट पर। अब जल प्रवाह के प्रतिकूल, अब है जल प्रवाह के प्रतिकूल मतलब कि अपोजिट डायरेक्शन में जाना है, ठीक है ना। तो अपोजिट में क्या होगा, आपको पानी के अपोजिट अगर तैरना तो चाल आपकी घट जाएगी, तो चाल क्या होगा, प्रभाव घट जाएगी, ठीक है ना। ये रहा, यहाँ तक तो कोई दिक्कत है नहीं। अच्छा, धारा प्रवाह 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा, जबकि एक नाव स्थिर जल में 6.5 किलोमीटर से चलती है। धारा के विपरीत नाव की चाल ज्ञात कीजिए। धारा के विपरीत नाव की चाल ज्ञात कीजिए। धारा प्रवाह कितनी है, 1.5, तो यानी बी डब्लू दे दिया आपको कितना, 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा, और बी क्या दे दिया आपको, 6.5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो विपरीत दिशा में तो दोनों को क्या करना होगा, घटा देगा आप, घटा दीजिए, तो 5 किलोमीटर प्रति घंटा बचा, दोनों वैल्यू को घटा दिया आपने, ठीक है ना। घटाने के बाद आपको मिला ये आंसर। नेक्स्ट पर चलते दोस्तों। एक नदी का जल 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा की उससे बह रहा है, मतलब जल बह रहा है, तो ये क्या बह रहा है, यहाँ पर इसका मतलब ये है W, 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा। कोई तैराक स्थिर जल में 8.5 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तैर सकता है, कितनी स्पीड से, 8.5। उसने कहा नदी के विपरीत 21 किलोमीटर की दूरी तय करने में से कितना समय लगेगा, समय बराबर दूरी बटे चाल, 21 दूरी थी, चाल हुई, दोनों को घटा जोड़ घटा दोगे आप, तो घटाने में क्या मिलेगा यहाँ पर, 6, ठीक है ना। तो जब ये यहाँ पर ऐसे काट दोगे तो 7 बटे कितना बचा 3, ठीक है ना, नहीं। तो अब यहाँ पर हमने किया क्या, तो यहाँ पर ना हमने 3 से काट दिया, कितने से काट दिया, 3 से ही, 3 से 2, 3 से भी कर दे, 3 से 1, 3 से 6, तो 3.5 घंटे का समय लेगा दोस्तों, कितना, 3.5 घंटे का आंसर रहेगा आपका, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। एक स्टीमर धारा के विपरीत दिशा में 3 घंटे में 72 किलोमीटर प्रति घंटा जाता है, 3 घंटे में, विपरीत दिशा में है, धारा की रफ्तार 3 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बी माइनस ये है बी माइनस दोस्तों, बी माइनस, बी कितना है आपका, ये तो निकालना ही है, ये है 3 किलोमीटर प्रति घंटा, तो यहाँ कितना हो गया, 72/3। कितना हुआ, 3 × 6, 3 × 12, ठीक है, ऐसे इधर जोड़ दें, बी बराबर कितना हुआ, 27, ठीक है ना। तो ठीक है दोस्तों, बी की चाल कितनी हो जाएगी यहाँ पर, 27, ठीक है, तो यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं, किलोमीटर प्रति घंटा आंसर मिला आपका। अच्छा, कोई मोटर बोट शांत जल में 18.5 किलोमीटर प्रति घंटा तेज वेग से चलती है, यदि जल प्रवाह के विपरीत 60 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में जाती हो, तो जल प्रवाह का वेग, ठीक, कोई मोटर बोट शांत जल में 18.5 किलोमीटर घंटा तेज चलाता है, जल प्रवाह के विपरीत 60 किलोमीटर की दूरी तय करने में 4 घंटे में जाता है, तो जल प्रवाह की गति क्या है, ठीक है, यानी बी निकालना है आपको। देखो शांत जल में उसकी वेग कितना है, ध्यान दीजिए, शांत जल में उसका वेग है, यानी बी, क्या बी दिया गया, तो बी कितना दिया गया, बी दिया गया 18
18.5 किलोमीटर प्रति घंटा। यदि जल प्रवाह के विपरीत वह 60 किलोमीटर 4 घंटे में जाता है, तो मतलब दोनों की वैल्यू बी माइनस डब्ल्यू 60 किलोमीटर 4 घंटे में गया, तो यहाँ पर कितना मिला 15 चौक 60। अच्छा, शांत जल में कितना था 18.5 माइनस डब्ल्यू बराबर 15, इसे घटा दोगे तो डब्ल्यू बराबर कितना था 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा डब्ल्यू का वेग था दोस्तों, तो ये भी हुआ। अच्छा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। यहाँ पर नेक्स्ट में क्या कहा गया है, एक मिनट दोस्तों, है ना, एक मिनट रुकना। हाँ ठीक है, ये हो गया दोस्तों। यहाँ पे है ये क्वेश्चन, ध्यान दीजिए। मोहन शांत जल में प्रति घंटा 12 किलोमीटर तैर लेता है, ठीक है। 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार वाली नदी के विपरीत 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति तैर लेगा, तो थोड़ा सा क्वेश्चन छोटा हुआ है दोस्तों। क्या छोटा हुआ है ये भी बात ध्यान रखनी होगी आपको, ठीक है। शांत जल में 12 किलोमीटर प्रति घंटा और रफ्तार में कितना 2.5 किलोमीटर वाली, तो दूरी बतानी है। दूरी बराबर होता क्या है, 4 गुना समय, ठीक है। चलिए, दूरी बराबर 4 गुना समय, तो ये लीजिए दूरी बराबर होगा 4 गुना समय। अब चाल क्या है, यानी अगर देख लेते तो सेम विपरीत है, विपरीत में तो चाल घट जाएगी, तो 12 माइनस के 2.5, दूरी बराबर 4 गुना समय 2.5, तो यहाँ से कितना बचा, ये हो गया कितना, तो ये तकरीबन, ध्यान दीजिए दोस्तों, घटाइए, तो ये बचा दोस्तों 9.5 और ये बचा कितना 2.5, ठीक है। मल्टीप्लाई कर दीजिए, बस आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। मल्टीप्लाई तो कर सकते हो आप, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर कर दोगे तो 25 पंजे 125, 12 बचे और 25 नंबर 225 225 और 12 237 पॉइंट लग जाएगा आपका दो अक्षर के बाद, तो 23 पॉइंट समथिंग आपका किलोमीटर की दूरी उसने तय की, कितनी 23 पॉइंट समथिंग किलोमीटर की दूरी, ठीक है ना। चलिए, अब अनुकूल और प्रतिकूल दोनों चालों पर आधारित, मान लिया अनुकूल भी हो सकती है चाल और प्रतिकूल भी हो सकती है, तो अब क्या किया जाए जब दोनों ही चाल की बात की जाए, है ना। तो चलिए शुरुआत करते हैं। एक नाव नदी में एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने और पुनः वापस आने के कारण 4 घंटे का समय लेती है। यदि नदी का वेग 2 किलोमीटर प्रति घंटा और नाव का 4 किलोमीटर प्रति घंटा, दोनों के बीच की दूरी क्या होगी, ठीक है। क्या कहा गया, देखिए। अच्छा, एक बार तो सपोज करो कि वे एक साथ गई, फिर वो इधर से ही वापस आई, तो दूरी सेम हुई। दूरी सपोज एक मिनट दोस्तों, तो यहाँ पे दोस्तों करना ये है, जैसे दूरी ए बी थी, तो ए बी और साथ साथ गए, इसकी विधि का 2 था और चाल कितनी थी एक, अगर पानी के साथ साथ गए तो 6 और पानी के अगर अपोजिट चले तो ये 2 बचा और कुल समय रहा 4 घंटे का, ठीक है ना। तो यहाँ पे ए बी बटे 6 तो कितना होगा, 3 ए बी बटे 6, यानी ये भी एलसीएम ले लिया आपने, ठीक है ना। एलसीएम ले लोगे तो ये कितना हुआ, 4 से कटा, तो ए बी बराबर आपका 6 किलोमीटर उसके बीच की दूरी थी, कितनी थी दोस्तों 6 किलोमीटर। अब यहाँ पे क्या अप्लाई किया आपने, साथ साथ गए, यानी अगर बी प्लस डब्ल्यू साथ साथ गए पानी के, और पानी के अपोजिट है तो बी माइनस डब्ल्यू, ठीक है ना। चलिए, तो अनुकूल भी हुई थी स्थिति, प्रतिकूल भी। नदी का जल प्रवाह 8 किलोमीटर प्रति घंटा है, नदी का जल प्रवाह मतलब कि डब्ल्यू जो दिया गया आपको, जो डब्ल्यू है वो है 8 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है ना। स्थिर जल में नाव की चाल, नाव है आपकी 8 नहीं दोस्तों, ये 3 है, 3 किलोमीटर, ये है 7 किलोमीटर प्रति घंटा। नदी के साथ 20 किलोमीटर जाने तथा पुनः वापस आने में कितना समय लगेगा, नदी के साथ 20 किलोमीटर गए नदी के साथ, तो इसे ऐड कर दो 10, फिर 20 किलोमीटर वापस आए, तो इसे क्या कर दोगे आप, यहाँ पर 4,
तो यहाँ से क्या कट जाएगा, यहाँ तो दो बचा और इसे चार पंजे तो पाँच ये है ना। अच्छा तो हुआ कितना, 7 घंटे का समय लगेगा। अच्छा 7-7 गए, 7-7 में हमने क्या किया, चाल दी ऐड कर दी। ऐड कैसे कि 3 थी चाल और 7 थी, 3 और 4 7, अब अपोजिट गई फिर चाल दी आपने घटा, यानी ये थी 10 नहीं ये थी 7 और ये थी कितनी 3, तो 4 बची दोस्तों, 4 ये थी, ठीक है ना। ये दोनों वैल्यू रख दी और रखने के बाद समय ये मिला, ये तो था अगर देख लिया जाए 7 जाने का समय 2 घंटे और वापस आने में लेगा 5 घंटे, विपरीत दिशा की वजह से ज़्यादा समय लगेगा, तो 7 घंटे कुल रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कुल्लू जल प्रवाह के साथ 75 किलोमीटर तक अपनी नाव 3 घंटे में ले जाकर पुनः 5 घंटे में वापस ले आता है। देखो उसने कहा क्या, B+W पानी को, यानी अपनी नाव लेकर गया जल प्रवाह के साथ, मतलब B+W 75 किलोमीटर गया और कितनी स्पीड से, 3 घंटे से, चाल बराबर दूरी बटे समय, फिर B-W फिर 75 किलोमीटर वापस आया 5 घंटे में, तो चाल बराबर दूरी बटे, यहाँ काट दोगे तो 3 × 6 = 3×5 = 15 और यहाँ काट दोगे 5 × 6 = 5 और 5 × 3 = 15, ठीक है ना। तो यहाँ से ये कैंसिल ही हो गया, कितना 2B, तो 2B बराबर यहाँ पर कितना हो गया, यहाँ पर हो गया 2B बराबर 38, तो बी से इसे कैंसिल करोगे तो बी बराबर कितना रहेगा, 19, बी से कितना रहेगा 19, तो ठीक है। नाव की चाल कितनी थी 19, तो अब ये वैल्यू एक और थे हमारे पास इक्वेशन, B+W बराबर कितना था 25, बी की वैल्यू 19, डब्लू और ये बचा 25, आप इसे इधर घटा दीजिए 25 - 19, तो कितना बचा ये आपका 25 - 19, ध्यान दीजिए यहाँ पर बचा दोस्तों ये कितना 6 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है ना, कितना बचा है 6 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस तरह से दोनों दो आंसर देने थे, एक आंसर तो ये रहा, नाव का तो ये है और पानी का ये है, ठीक है ना। तो पॉइंट नहीं है दोस्तों, कभी आप सोच रहे हो पॉइंट हो, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। एक व्यक्ति शांत जल में 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से नाव चलाता है, जब नदी का जल प्रवाह 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो जल प्रवाह के अनुकूल 24 किलोमीटर जाने, मतलब 24 है पानी के साथ, 24 कहाँ है पानी के साथ, तो 24 बटे ऐड कर दोगे 12 हो जाएगा। ऐड क्यों करा, क्योंकि अनुकूल है, अनुकूल की स्थिति जब भी हो तो ऐड करना, और 16 किलोमीटर विप्रतिकूल तो अपोजिट है घटा दोगे 8 तो कितना समय लगा, तो समय कितना, अनुकूल में तो 2 घंटे और इसमें भी दोस्तों वापस आने में भी 2 घंटे, तो जाहिर सी बात कुल टोटल समय लगा 4 घंटे का समय लगा, ठीक है दोस्तों, कितना 4 घंटे का समय मिला। नेक्स्ट पर चलते हैं। एक नाविक धारा के विपरीत 40 किलोमीटर तथा 45 किलोमीटर ठीक है अनुकूल तो चला, वो प्रतिकूल चला 40 किलोमीटर, तो B-W कितना रहा आपका 40 किलोमीटर, ये कहा गया, इसे थोड़ा सा ध्यान से रखना आपको, है ना। तो ये था 40 किलोमीटर B-W और यहाँ पर लिखोगे 55 किलोमीटर B+W, ठीक है ना, और बराबर में 13 घंटे का समय, जबकि धारा के विपरीत उसने फिर बार क्या किया 30 किलोमीटर चला विपरीत दूसरी कंडीशन, और 44 किलोमीटर चला वो फिर अपोजिट, ठीक है ना, और ये चला 10 घंटे में, तो दो इक्वेशन बनी दोस्तों, तो सोल्व भी करनी होगी। इन इक्वेशन को कैसे सोल्व करोगे, तो एक वैल्यू आपको इक्वल करनी होगी। देखो पहली वैल्यू जो है, पहली वाली वैल्यू में मैं करूँगा मल्टीप्लाई कितने की, 4 की, गलत दोस्तों 3 की मल्टीप्लाई करोगे आप, कितनी 3 की, और यहाँ पर दूसरे वाली वैल्यू में कितने की मल्टीप्लाई करोगे आप, 4 की, ठीक है ना। तो ये बना 3 × 12 = 120 और 4 × 3 = 12, ये कितना बना, ये भी 120, तो जाहिर सी बात ये वैल्यू तो कैंसिल हुई, ठीक है ना। अब हमारे पास क्या बचा, ये बचा 3 × 5 = 15, कितना रहा 3 × 5 = 15 और फिर 3 × 5 = 16 = 165 और यहाँ 4 की जब गुणा करोगे तो 4 × 16 = 76,
तो यहाँ अगर देख लेते तो यहाँ पर तो बचा 11 और यहाँ पर बचा बी प्लस डब्ल्यू और इधर बचा ये 40 ये 39 एक बचा। तो कुल मिला के अगर देखा जाए तो दोस्तों यहाँ पर कुल मिला के आपको बी प्लस डब्ल्यू इक्वल टू क्या मिला, यानी बी प्लस डब्ल्यू इक्वल टू आपको मिला, बी प्लस डब्ल्यू इक्वल टू आपको मिला 11 किलोमीटर, ठीक है ना। तो एक इक्वेशन आपकी ये बनी। अब थोड़ा सा ध्यान रखना बस, आपको 11 आपने यहाँ रख दिया, 11 से कटा 5, ठीक है ना, फर्स्ट इक्वेशन में ही रख दिया 11 से कटा 5, ठीक। अगर ये 5 कटा यहाँ पे, ये लीजिए 5, तो यहाँ से 11 पाँच 55 5 मिला, 5 इधर 13 में से घटा दीजिए, बचे कितने 8, तो 8 पंजे 40, इस 8 से 40 कट जाएगा, तो बी माइनस डब्ल्यू इक्वल टू क्या मिल जाएगा आपका 5। तो ऐसा जब भी केस हो आपको आंसर कैसा देना होगा, जब भी बी प्लस और प्लस और माइनस में डायरेक्ट में वैल्यू मिल रही है तो आपको डायरेक्ट आंसर देते हो, दोनों वैल्यू जोड़ दो, 2 से भाग कर दो तो पहली वैल्यू निकल जाएगी, यानी बी बराबर कितना निकल जाएगा, दोनों जोड़ दो, जोड़ने के बाद कितना 16, तो 8, दोनों घटा दो डब्ल्यू की वैल्यू निकाली, दोनों घटा दोगे तो कितना मिला यहाँ पर 6, तो 3 किलोमीटर, तो दोनों की वैलिडिटी आ चुकी है, नाव की भी और यहाँ पे धारा का भी। थोड़ा सा देखने में कॉम्प्लिकेटेड है पर क्वेश्चन आसान था दोस्तों, है ना। नेक्स्ट पर चलते हैं। गुणा पर आधारित प्रश्न, कुछ प्रश्न कैसे होंगे दोस्तों गुणा पर आधारित, तो गुणा पर भी क्वेश्चन बन सकते हैं, चलिए देखते हैं। एक तैराक नदी की धारा के अनुकूल, मतलब पानी के साथ साथ, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में जितना समय लेता है, नदी के तैराक के तो एक स्थान से जितने समय जाने में लेता है, तो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में जितना, उसका दुगुना समय वापस आने में लेता है, क्या करता है उसका दुगुना समय वापस आने में लेता है, ठीक है ना। मतलब यदि धारा की गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो, कितनी है धारा की गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा, तो स्थिति जल में तैराक, चलो देखो मान लिया, सपोज करो कि आप चले कितना 1 घंटे में, जितनी दूरी आप 1 घंटे में चले उसी दूरी को वापस आने में, आपको वापस आने में क्या होगा, अपोजिट चलोगे चाल घट जाएगी, 2 घंटे का समय लगेगा ये कहा गया, क्योंकि दूरी तो सेम ही है ना, एक साइड से गए और एक साइड से वापस आए। तो यहाँ पर अगर देख ले जाए बी प्लस डब्ल्यू इक्वल टू 2 और यहाँ पर हुआ बी माइनस कितना, यहाँ पर अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए 2b एंड 4, ये तो बना इधर 6 और ये बचा b, तो b की जो वेलोसिटी थी, b की कितनी थी 6 किलोमीटर प्रति घंटा, कितनी थी 6 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस हिसाब से आपको पढ़ना, मेन बात क्या है, जितना गया इतने वापस आया, तो समय का फर्क है बस, अपोजिट आने में ज़्यादा समय लेगा, ठीक है ना। नेक्स्ट पर चलते हैं। एक नाविक जल प्रवाह के साथ ए से बी तक जाने में जितना समय लेता है, ए से बी तक जाने में जितना समय लेता है, ठीक है, मान लिया यहाँ पर ए था आपका, ये ए, ठीक है ना, और ये कितना था बी, सपोज इधर से गया अभी पानी के साथ साथ, तो चाल क्या होगी ऐड, ठीक है ना, तो चाल हो जाएगी ऐड, तो चाल ऐड होने का मतलब कितना रहा यहाँ पर, ए बी बटे, एक मिनट दोस्तों, तो यहाँ पर चाल होगी ऐड, तो करना ये है आपको ए, एक मिनट दोस्तों, वोटर चिप वो है ना आपके पास, तो हमारे पास है बी प्लस डब्ल्यू और शांत जल में उसका वेग, बी की चाल दे रखी दोस्तों कितनी है 10, तो डब्ल्यू नहीं दिया गया, मान लिया पानी के साथ गया तो 1 घंटे का समय लिया, पानी के अपोजिट जाने में 10 माइनस के डब्ल्यू कितना समय लिया 3 घंटे का, तो 3 घंटे का समय लिया, तो बस आपको ये करना था, दूरी बराबर रख दिया आपने, तो ये 30 हो गया और 3 डब्ल्यू, ये हो गया कितना 4 डब्ल्यू, बराबर ये कितना हुआ 20, तो इसकी वेलोसिटी कितनी थी डब्ल्यू की 5 किलोमीटर प्रति घंटा, कितनी थी 5 किलोमीटर प्रति घंटा, तो आंसर आपका रहा ये, ठीक है ना। तो ये भी हुआ क्वेश्चन सोल्व। तो एक और क्वेश्चन है दोस्तों, इसे देख लेते। एक स्टीमर नदी धारा के अनुकूल एक निश्चित दूरी तय करने में जितना समय लेता है, ठीक है ना,
एक स्टीमर नदी के धारा के अनुकूल जाने में जितना समय लेता है उसके वापस आने में 4 गुना, यदि धारा की चाल कितनी है 6 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो स्थिर जल में स्टीमर की चाल क्या होगी? कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों। बी प्लस डब्लू यानी बी प्लस 6 गया वापस 1 घंटे में, 7-7 था। अब बी माइनस डब्लू यानी 6 वापस आया तो 4 गुना समय लिया, तो बी प्लस 6 बराबर कितना हुआ 4b माइनस 4 6 24। अब 20 इधर घटा दोगे तो ये बना 30, ये बना 3b, इससे से काट दोगे तो b बराबर कितना रहा, कितना रहा b बराबर 10 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से उसका स्पीड थी। तो दोस्तों एक आपके लिए आवश्यक सूचना थी, सूचना क्या थी कि हमारे इसी चैनल पर दोस्तों करंट अफेयर्स भी आपको अवेलेबल करा दी जाती है। करंट अफेयर्स की बात की जाए तो यहाँ पर 2 भाषाओं में, एक हिंदी में है एक इंग्लिश में है। हिंदी की अगर करंट अफेयर्स की बात की जाए तो 4 AM पर मॉर्निंग में स्टार्ट हो जाती है, और इंग्लिश की अगर बात की 5 AM पर मॉर्निंग में स्टार्ट हो जाती है। ठीक है ना, तो ये जो करंट अफेयर्स है इन करंट अफेयर्स को आप चाहे तो देख सकते हो। बेनिफिट ये रहेगा ये शॉर्ट वीडियोज है दोस्तों, शॉर्ट वीडियोज का बेनिफिट क्या हुआ कि ये आपके 1 मिनट में ख़त्म हो जाएगी। ठीक है ना, 1 मिनट में ख़त्म हो जाएंगे इसलिए। तो इसी के साथ दोस्तों आज की क्लास समाप्त हुई। आपकी क्लास कैसी रही, आपको कैसा लगा तो आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। दोस्तों चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है दोस्तों, और साथ में बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना, क्योंकि हमारे चैनल की जो लेटेस्ट अपडेट नोटिफिकेशन होगा वो तुरंत सबसे पहले सबसे जल्दी आपके पास आ जाएगा। ठीक है ना, इसी के साथ मैं संजीत उमर एक बार फिर विदाई लेता हूँ आपसे। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और अपनी तैयारी निरंतर जारी रखें। कब तक दोस्तों? जब तक जॉइनिंग लेटर हाथ में ना हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।